रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स के ग्रुप ने एक ऐसी स्टार गैलेक्सी को डिस्कवर किया है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा दूरी पर है। एस्ट्रोसैट जो इंडिया का मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है, उसकी मदद से AUDFS-01 इसकी डिस्कवरी हो पाई। ये गैलेक्सी 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो कि पुणे में स्थित है, यहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने AUDFS-01 की डिस्कवरी की। इस टीम में इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए, जापान, नीदरलैंड के एस्ट्रोनॉमर्स थे। ये पहली बार हुआ है कि एक स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन यूवी एमिशन। ये डिस्कवरी से डार्क एज कैसे खत्म हुई और कैसे पहले से यूनिवर्स में लाइट मौजूद थी, इसके क्लू मिलते हैं। ये डिस्कवरी इतनी इम्पोर्टेंट है कि साइंटिफिक जर्नल नेचर्स एस्ट्रोनॉमी, जिसका नाम है, इसमें इस रिसर्च को पब्लिश किया गया। इंडिया के लिए अचीवमेंट है क्योंकि एस्ट्रोसैट ने ये डिस्कवरी की जो कि नासा के हबल टेलीस्कोप ने यूवी एमिशन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्ट्रोसैट क्या है। एस्ट्रोसैट का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है। इसे नेशनल स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कहा गया है। ये इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में, जो कि हाई रेडिएशन स्पेस में जो एमिट होती है उनकी स्टडी करेंगे। दोस्तों, यूनिवर्स में बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट होती है जो कि अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर उसको हमारी अर्थ तक के पहुंचने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमें रेडिएशंस की वजह से दिक्कत नहीं होती है। अगर ये रेडिएशंस या फ्रीक्वेंसी या वेव्स को अगर एटमॉस्फेयर की लेयर्स अगर स्टॉप नहीं करेंगी तो ये जो रेडिएशंस है ये ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज्यादा हार्म करेगी। अब हम अर्थ पर रहते हैं तो ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे तक के नहीं पहुंचती है, बट जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि अर्थ के बाहर यूनिवर्स में जाते हैं, उनके लिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स या ये हाई एनर्जी रेडिएशन बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसकी वजह से इन रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए एस्ट्रोसैट बनाया गया था। ये एक ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है जो 2015 में लॉन्च किया गया था। जैसे जब हमें कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स एक्सरेज, गामा रेज या अल्ट्रासाउंड या फिर दूसरे डिटेक्शन डिवाइसेस को यूज करके या दूसरे डिटेक्शन वेव्स को यूज करके हमारे बॉडी में क्या हुआ है ये आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ही सिमिलरली स्पेस में भी वी नीड टू स्टडी द लाइट एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्स के जो ऑब्जेक्ट है वो भी रेज एमिट करते हैं जो कि विजिबल भी होती है और नॉन विजिबल भी होती है। जैसे सारी वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सारे स्पेस में एमिट होती हुई रेज हैं। टू आइडेंटिफाई दीज रेज वी नीड डिफरेंट टेलीस्कोप इन स्पेस जो कि एक स्कैनर का काम करे। तो हमने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया। ये एस्ट्रोसैट की वजह से बाइनरी स्टार सिस्टम, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, स्टार बर्थ रीजन, ये सारे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। टू स्टडी ऑल दीज फिनोमिना एंड वेव्स एंड रेडिएशंस इन 2015 डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन एम्ड एट स्टडिंग सेलेशियल सोर्सेस इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली ये लॉन्च किया गया। इसकी एक्सपेक्टेड मिनिमम लाइफ है 5 इयर्स। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ एस्ट्रोसैट मिशन इज दैट इट एनेबल्स साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विथ अ सिंगल सैटेलाइट। एस्ट्रोसैट में 5 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। पहला अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सेकेंड
सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, फोर्थ कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर, फिफ्थ स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। एस्ट्रोसैट्स के बेनिफिट्स क्या है? एस्ट्रोसैट्स के लॉन्च होने के बाद इंडिया एलाइड ग्रुप्स में शामिल हो गया है, जो कि पहले से यूएस, यूरोप, जापान थे, जिनके पास में टेलीस्कोप्स थे या ऑब्जर्वेटरीज थे। इस मिशन के सक्सेसफुल होने से इंडियन स्पेस साइंटिस्ट का मॉरल बूस्टअप होगा एस्ट्रोनॉमर्स, एज इट विल हेल्प देम टू बी सेल्फ रिलायंट इन ऑब्टेनिंग डाटा कवर्ड बाय फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ्स। एस्ट्रोसॉट विल एक्ट एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टडिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इट विल लीड टू अ फर्दर स्टेप इन द रिसर्च वर्किंग फ्रंटियर एरियाज ऑफ हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी टू स्टडी मल्टी वेवलेंथ। ये कुछ रिजल्ट है जो एस्ट्रोसैट ने अब तक के दिए हैं। पहला है सॉल्विंग द डिकेड ओल्ड पजल ऑफ अ कोल्ड रेड स्टार बट ब्राइट इन यूवी बाय आइडेंटिफाइंग इट एज अ बाइनरी। सेकेंड, एक्सरे पोलराइजेशन फ्रॉम क्रैब नेब्यूला। थर्ड, डिटेक्शन ऑफ अ कोरोनल एक्सप्लोजन ऑन द नियरेस्ट प्लैनेट होस्टिंग स्टार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।